सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। वहीं बात करें 8 जुलाई की, तो उस दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट ग्रह चंद्रमा भी और बुध भी। चंद्रमा जो है वो मीन राशि में जाएंगे दोपहर के बाद और आपके लिए लाभ की स्थिति लाएंगे, धन का आगमन कराएंगे, बड़ों के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। साथ साथ बुध का परिवर्तन जो कर्क राशि में हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ा कष्टमय है। कहीं आप सब कुछ भरी थाली को लात ना मार दें अपने गुस्से के कारण से, क्योंकि शनि मंगल की युति जो परस्पर संबंध चल रहा है वो आपको एग्रीवेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। अननेसेसरी बुद्धि में सूर्य बैठे हुए हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो भरी थाली पे लात मारने की स्थिति बना सकते हैं। हमने देखा है इस प्रकार के योग बन जाते हैं, तो सावधान होकर रहिएगा। इस वक्त बुध अस्त भी हैं, तो ऐसे में गौ पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार का अवसर है, सावन का शनिवार है, शनि भी आपको जो एग्रीवेट कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, कष्ट दूर होंगे। 9 जुलाई की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। तो ऐसे में भगवान कालरात, विशेष तौर पर कालाष्टमी के रूप में इस तिथि को माना जाता है, ऐसे में शिव की आराधना करने से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। समय ग्रह आपका जो चंद्रमा बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, ग्रहों का अनुकूल लाभ आपको मिल सकता है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर काम करने की जरूरत है, स्थिति को समझते हुए कार्य करेंगे, बुद्धि के द्वारा काम करेंगे तो बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। वहीं 10 जुलाई की यदि हम बात करें तो ये तिथि बहुत ही शुभ है। सावन का पहला सोमवार है, समस्त संसारिक मनोकामनाओं को ठीक करने के, उसको पूर्ण करने का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से समस्त संसारियों की मनोकामना सिद्धि होने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे में भगवान का अवश्य पूर्ण पूजा पाठ कर लेना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा एक रुद्र महायज्ञ रखा है, इस दिन शाम के समय पर आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साथ साथ भगवान का अभिषेक भी रहेगा, तो आप सब उस शुभ समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। कल्याणकारी योग बनेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी और ग्रहों का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है और शाम के समय आपको विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनने के योग बन सकते हैं। इसलिए सुबह यदि आपने भगवान शिव का ध्यान करते हुए समस्त कार्य किया तो शाम के समय आपको विशेष तौर पर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है, लाभ हो सकता है। धन्यवाद।